मैं हूँ मालानी साथ, भाई साहब 24 मीडिया से। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि जंगल गुलरिया में नदी के कटान से जो किसान भाई लोग परेशान हैं, जो महागंगा उत्सव या पूजा जो मना रहे हैं, आज उसका लास्ट दिन है यहाँ पर। मतलब कन्याओं को खाना खिलाकर, भोजन कराकर उनकी पूजा की जा रही है ताकि नदी का कटान रुक सके। आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। यहाँ की जो जनता है वो नदी के कटान से परेशान है, गवर्नमेंट और प्रशासन से भी परेशान है, क्योंकि जब कोई यहाँ देखने नहीं आ रहा है, सुनने नहीं आ रहा है, इसलिए इन्होंने माँ गंगा की पूजा 3 दिन से रखी हुई थी, जो आज उसका लास्ट दिन है। इसी के साथ मैं माला मीडिया में आइए, हम यहाँ के जो वर्तमान समय के प्रधान जी हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ के अध्यक्ष जो है, आपका नाम क्या है? लक्ष्मी प्रसाद सहनी जी से बातचीत करते हैं। ये देखते क्या बताते हैं। मैं यहाँ जंगल गुलरिया से हूँ, यहाँ कटान से हम लोग पीड़ित है। यहाँ शासन प्रशासन कोई देखभाल हम लोगों का नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग माँ गंगा की पूजाई अर्चना से माँ गंगा को हम लोग उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों को न काटे और हम लोगों को छोड़े। इसी के लिए हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या सरकार से कुछ कहना चाहेंगे सर? सरकार से हम लोग बहुत परेशान हैं, सरकार से बहुत कहते कहते थक गए। न हम लोगों का विधायक सुन रहा है, न हम लोगों का MP सुन रहा है, तो इसलिए हम लोग अब सोचे कि हम लोग माँ गंगा से ही पूजा अर्चना करके, आराधना करके कुछ मुक्ति पाए। ठीक है सर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं माँ गंगा की पूजा के लिए यहाँ सभी लोग एकत्रित हैं। सबका मत है कि जब प्रशासन इनकी बात नहीं सुन रही है, तो माँ गंगा की पूजा कर उनके क्रोध को शांत कर यहाँ की जो कटान है उसको रोकने का प्रयास सारे किसान भाई लोग कर रहे हैं। आइए हम इस समय के वर्तमान समय के जो प्रधान जी हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या बताना चाहेंगे सर? बताना यही, शारदा में भक्ति है, ठीक है, शारदा ही विश्वास है और भक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं है, ठीक है। बाकी शासन प्रशासन को मैं निर्दोष नहीं दो रहा, क्योंकि प्रयास जारी है, आने वाले समय में काम भी होगा, क्योंकि सांसद प्रतिनिधि विधायक प्रतिनिधि आलोक जिंदल से भी बात हुई है और सांसद जी से बात हुई है, और वर्तमान समय में कुछ न कुछ इसका हल होगा। बाकी भक्ति में शक्ति है, ठीक है, पूजा और आस्था में ही दुनिया चल रही है और चलेगी। तो क्या, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रधान जी ने बताया कि आगे प्रशासन से बात चल रही है, आगे उम्मीद है कि यहाँ पर जो ठोकर लगने या बंद लगने का कार्यक्रम है वो हो पाए, इसकी आस्था प्रधान जी ने जताई है। इसके इसी पर हम इजाजत।